महामारी को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है तो वहीं ऐसे में अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र के जिगना गांव का है, जहां पर 55 वर्षीय रामदुलारे यादव उर्फ कपिल देव यादव की रात में किसी समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसकी खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम दुलारे घर से लगभग 25 मीटर दूर खलियान में रोज की तरह सोया हुआ था। राम दुलारे रोज पशुओं का चारा लेकर खलियान से लगभग 4 बजे घर पर पहुंचकर पशुओं को चारा डालता था। जब वह आज नहीं पहुंचा तब उसकी पत्नी ने टॉर्च लेकर उसे बुलाने चली गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह सन्न रह गई और कोहराम मचाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पहुंचकर देखा तो राम दुलारे का मौके पर खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। वहीं चारपाई के पास में राम दुलारे का जूता व अंगूठी पड़ी हुई थी। बगल में हमारे दादा हैं, उनकी हत्या हुई। कैसे हत्या हुई? अब सर ये पता नहीं चला, रात में हुई, कब हुई, कब हुई, कैसे हुई पता नहीं चला। सुबह में हम लोग जाने आप द्वारा सोना तो सूचना जी हाँ, सुबह जब हम देखे तो फिर सूचना दी। उसके बाद पुलिस आई, उसको ले गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल, सीओ चाकिया नीरज सिंह व थाना अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया। बताया कि हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। मौके पर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल जारी है। आज इलिया क्षेत्र में प्राता जिगना गांव है, वहां पर एक व्यक्ति को रात में सोते हुए उसके सर पे प्रहार कर दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो और मामले में हम जांच कर रहे हैं, मुकदमा हमने पंजीकृत कर दिया है और शीघ्र ही इसमें जल्दी खुलासा होगा। लॉकडाउन के इस माहौल में इस तरीके की आपराधिक घटनाएं पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती देती नजर आ रही हैं। फिलहाल इस मामले में एसपी हेमंत कुटियाल का कहना है, जल्दी अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाएगा। आजाद नेशन न्यूज के लिए चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।